हेलो स्टूडेंट्स, आज जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो पोएट्री का लेकर आए हैं। कल तक जो चल रहा था पार्ट फाइव तक तो प्रोज का था, आज पोएट्री का शॉर्ट क्वेश्चन है तो देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द पोएट मीन बाय ब्यूटी वैनिशेस ब्यूटी पाइस। ब्यूटी वैनिशेस और ब्यूटी पाइसेस का मतलब क्या होता है, कवि का क्या कहने का अर्थ है, कवि का क्या मतलब है। तो कवि का कहना है, ये जो लाइन है, ये जो पंक्ति है, एन अपिताभ से लिया गया है जो वाल्टर डेला मेयर लिखे हुए हैं। तो इस पंक्ति में अकॉर्डिंग टू वाल्टर डेला मेयर, यानी कि वाल्टर डेला मेयर के अनुसार फिजिकल ब्यूटी इज ट्रांजिएंट। वाल्टर डेला मेयर के अनुसार कहना है कि जो फिजिकल ब्यूटी होती है वह परिवर्तनशील होता है, बदलने वाला होता है, बदलता रहता है। इट नेवर लास्ट फॉर, फिजिकल ब्यूटी कभी भी हमेशा के लिए जैसे बरकरार नहीं रहता है, वो बदल जाता है। द रियल ब्यूटी इज द इनर ब्यूटी, और वास्तविक में जो सुंदरता होती है वो आंतरिक सुंदरता होती है। द पोएट सेज दैट ब्यूटी वैनिशेस ब्यूटी पासेस बट द मॉरल वर्क ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। कवि का कहना है कि वास्तविक सुंदरता जो होता है वो आंतरिक सुंदरता होता है, जो कभी बदलता नहीं है, वो हमेशा के लिए बरकरार रहता है। और यह भी कहते हैं कि जो फिजिकल ब्यूटी जो होता है वो बदलने वाला होता है। तो पोएट इसी अर्थ में कभी कहे हैं, द पोएट सेज दैट ब्यूटी वैनिशेस ब्यूटी पासेस बट द मॉरल वर्क, लेकिन नैतिक वर्क जो होता है वो हमेशा याद किया जाता है, वो परमानेंट रहता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। व्हाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। कभी अपनी प्रेमिका या अपनी पत्नी से क्यों दूर जाना चाहते हैं, किस लिए? तो ध्यान देंगे, ये पंक्ति जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। तो यहां ध्यान देंगे, द पोएट वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव बिकॉज डेथ इज सर्टेन। कवि को यह पता रहता है कि एक न एक दिन सबको मौत आनी है, और ये चाहते हैं उनसे, अपनी पत्नी से या अपनी प्रेमिका से दूर जाना, इसलिए कि He wants to amuse himself. वो चाहते हैं कि जितना दिन हम इस दुनिया में हैं, अपने आप को आनंदित रखें, खुश रखें। The poet wants to keep himself happy before death. कभी चाहते रहते हैं कि वो अपने मरने से पहले खुश रहें। He tells his beloved that his parting is nothing in comparison with the final parting which comes with death. वो अपनी पत्नी को समझाना चाहते रहते हैं। जब उनकी पत्नी रोकती रहती है जाने से, तो अपने पत्नी को समझाना चाहते रहते हैं कि ये दो पल की जुदाई कुछ नहीं है उस जुदाई के सामने जो अंतिम जुदाई के साथ आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मौत। तो इसलिए मुझे रोको ना, नहीं, मुझे जाने दो, कुछ जरूरी बातें हैं, कुछ जरूरी काम है, जाना तो पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहां है, व्हाट मेक्स ए मैन पावर प्योर। व्हाट मेक्स ए मैन पावर प्योर, ये सुजेस्ट लव आई डू नॉट गो के ही जॉर्डन लिखे हुए हैं, उसी की पंक्ति है। क्या, कौन ऐसी बातें हैं, कौन ऐसी चीज है जो आदमी को या आदमी के ताकत को भी कमजोर बना जाता है। हर स्थिति में लाख कोशिश के बावजूद भी आदमी कुछ नहीं कर पाता, उस चीज को लौटा नहीं पाता है, उस चीज को जोड़ नहीं पाता है, क्या ऐसी बात है? तो ध्यान देंगे, मैन हैज नॉट स्ट्रेंथ टू एड ए मोमेंट ऑफ द हैप्पीनेस दैट बी फॉल्स हिम। आदमी के पास वो ताकत नहीं है कि एक बार जो खुशी या एक बार जो पल अपने हाथ से निकल गया, जो गुजर गया, उसको पुनः लौटा पाए, ये ताकत आदमी के पास नहीं है। कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता है, चाहे वो आदमी कितना भी ताकतवर हो, लेकिन इस बीते हुए पल को, बीते हुए समय को, बीते हुए खुशी को वो पुनः लौटा नहीं सकता है। ही इज हेल्पलेस बिफोर डेथ। आदमी मजबूर रहता है अपनी मौत के सामने। अगर कोई आदमी कितना भी धनी हो, कितना भी मजबूत हो, अगर वो सोचे, अगर वो चाहे कि हम मौत को टाल दें, ये कभी संभव होना तय नहीं है, कभी भी संभव हो ही नहीं सकता। इसलिए आदमी मजबूत होते हुए भी मौत के सामने घुटना टेक देते हैं। तो यहां कह रहे हैं, ही इज हेल्पलेस, वो मजबूर हो जाते हैं बिफोर डेथ, किसके सामने, मौत के सामने। However, he is capable of increasing this misery by weeping and sighing. मने फिर भी बस एक बातें रहती है कि वो अपने दुखों का
इजहार रोकर आहें भरकर कर सकते हैं, लेकिन उस पल को लौटा नहीं सकते हैं, उस खुशी को लौटा नहीं सकते हैं जो एक बार क्या होता है, गुजर जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, Why does the poet call MacVitie a Mr. Cat? कभी MacVitie the Mr. Cat से लिया गया है कविता पंक्ति है, जिसे T.S. Eliot लिखे हुए हैं। T.S. Eliot है इस कविता में MacVitie को, MacVitie एक बिल्ली रहता है, MacVitie को Mr. Cat बोलते हैं। क्यों MacVitie को Mr. Cat क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब कभी कोई क्राइम होता रहता है या जब कभी कोई क्राइम होने वाला है तो वहां पर MacVitie नजर आता है, लेकिन क्राइम होने के बाद दूर दूर तक वो नजर नहीं आता है, इसलिए कभी इसको मिस्टीरियस कैट या मिस्ट्री कैट कहते हैं। और यही बात यहां बताया गया है, ध्यान देंगे, यहां क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट कॉल MacVitie मिस्ट्री कैट, कभी MacVitie को मिस्ट्री कैट क्यों कहते हैं? तो द पोएट T.S. Eliot कॉल्स MacVitie मिस्ट्री कैट, कभी T.S. Eliot पोएट, कभी पोएट T.S. Eliot MacVitie को मिस्ट्री कैट कहते हैं, बिकॉज क्योंकि इट इज नेवर फाउंड आफ्टर कमिटिंग क्राइम्स, जुर्म करने के बाद, क्राइम करने के बाद यह कहीं भी पाया नहीं जाता है। इट लिव्स द प्लेस इमीडिएटली आफ्टर कमिटिंग द क्राइम, जब कोई क्राइम होता है तो क्राइम के तुरंत बाद वह जगह छोड़ देता है और दूर दूर तक किसी को नजर नहीं आता है, किसी को हाथ नहीं आता है। That's why the poet calls it a mystery cat. और इसीलिए कभी इसे MacVitie को a mystery cat कहते हैं। तो बच्चों इसको ध्यान देंगे, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए।